हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, मेरा नाम है नितिन कड़ेजा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत दिन बाद वापस यूट्यूब चैनल पे आया हूँ। आपने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा कि लाइफ अमेजिंग सीक्रेट में एक बुक के बारे में बात करने वाला हूँ। गौर गोपाल दास जी का बुक है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। मैंने ये बुक रिसेंटली पढ़ा है। इस बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छे से लाइफ के चार प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए, जिसमें जिसको वो बोलते हैं फोर व्हील्स ऑफ लाइफ। सबसे पहला व्हील जो जिसके बारे में उन्होंने बात की है वो है पर्सनल लाइफ, और सेकंड है इज़ अ रिलेशनशिप, नंबर थ्री इज़ अ वर्क लाइफ, नंबर फोर इज़ अ सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इज़ अ पर्सनल लाइफ में उन्होंने कहा पॉजिटिव माइंडसेट पे बहुत ध्यान दिया है। पॉजिटिव माइंडसेट पे इन्होंने एक चीज़ लिखी है, वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव। तो हमारा माइंड ना बचपन से नेगेटिवली ट्रेंड हो गया है अनकॉन्शियसली, कि हम नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव देखते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हम जैसे दुनिया में चीज़ें देख रहे हैं, सारा ये जो सोसाइटी नेगेटिव ओरिएंटेड, नेगेटिवली किया गया हुआ सोसाइटी में हर चीज़ नेगेटिव दिखाया जाता है, पॉजिटिव के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें नेगेटिव दिखाया जाता है। अबाउट पॉजिटिव टॉकिंग एंड नेगेटिव टॉकिंग, इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग। तो हमको हमारे ब्रेन को हमको खुद को पॉजिटिव ट्रेन करना है। वो ट्रेन कैसे करना है बुक में अच्छे से बताया गया है, कैसे हमको सोचना है। अगर आप डिटेल में रीड करेंगे तो आप रीड कर लेना बुक के बारे में, हाईली रिकमेंडेड बुक है। दूसरा एक बहुत अच्छी सी बात कही इन्होंने, इट वॉज नॉट दैट द प्रॉब्लम्स आई हैड वर नॉट रियल, वी ऑल गो थ्रू रियल चैलेंजेस फॉर विच सोल्यूशन शुड बी फाउंड। मतलब ये कि प्रॉब्लम्स तो सबको है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव सोचने से प्रॉब्लम्स चले नहीं जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं है। रियल चैलेंजेस पॉजिटिव सब कुछ आएगा, बट पॉजिटिव माइंडसेट विल हेल्प यू टू डील विद दिस थिंग्स। तो पॉजिटिव माइंडसेट अगर रहेगा, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही, कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आप जल्दी उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। दिस इज़ अ थिंग, दिस इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव में फोकस रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, प्रैक्टिकल पॉजिटिव थिंकिंग रखना। इस बुक में बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ें बताई गई है, प्रैक्टिकली कैसे हम रह सकते हैं, हवा में बातें नहीं की गई है। दूसरा है जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसे ग्रैटिट्यूड, कि हमको हमारे लाइफ में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। हम ग्रैटिट्यूड नहीं होते हैं क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं नींद से, तो हमको थैंक यू फील होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रात को सोने के बाद सुबह नहीं उठते। उन्होंने बहुत अच्छे से एक चीज़ कही, ग्रेटिट्यूड इज़ नॉट अ फीलिंग, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड दैट कैन बी डेवलप्ड। ठीक है, अभी हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं है, बट इट्स स्टेट ऑफ माइंड, वो डेवलप की जा सकती है अगर आप डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। तो व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर उसका प्रैक्टिस करो। उन्होंने एक और बात कही, इट इज़ नॉट द हैप्पी पीपल हु आर ग्रेटफुल, इट इज़ अ ग्रेटफुल पीपल हु आर हैप्पी। स्टार्ट राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड लॉग। तो ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखना चालू कीजिए सुबह। इस बुक में ऐसे बताया गया है, मैंने स्टार्ट किया है लिखना, अगर आप भी चाहे तो लिख सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या है, इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है इसमें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर हैप्पीनेस, इट गाइड अस इन द टाइम्स ऑफ टर्मोइल एंड ग्राउंड अस इन द टाइम्स ऑफ जॉय। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या करता है, मोस्टली जब भी बहुत ही डिफ़िकल्टीज लाइफ में आती है, तो जो सोर्स ऑफ पावर है वो हमको गाइड करती है लाइफ में, उससे निकालने के लिए। जब भी हम बहुत ही एक्साइटमेंट लेवल पे चले जाते हैं, इट मेक्स अस हम्बल, इट मेक्स अस ग्राउंडेड। सुख और दुख दोनों हमेशा नहीं रहेगा, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी, वो तो आता जाता रहेगा। तो थिंग इज़ दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कैन स्टार्ट लर्निंग मेडिटेशन थ्रू यूट्यूब्स, और यू कैन चेक माई वीडियोज़ ऑल्सो। गॉड इज़ वन एंड इज़ आइडेंटिफाइड डिफरेंटली अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, देयरफॉर इट इज़ नॉट अबाउट कनेक्टिंग टू माई गॉड और योर गॉड, इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग टू अवर गॉड। स्पिरिचुअलिटी क्या है एग्जैक्टली, टू नो द गॉड, टू कनेक्टिंग अवर गॉड, जो हारे पूरी दुनिया को जिसने क्रिएट किया उससे कनेक्ट होना। जो पहला व्हील बताया पर्सनल लाइफ, सेकंड व्हील है रिलेशनशिप्स के बारे में, इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। जो से इसमें ये बताया गया है कि रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट सेंसिटिविटी, तुम कितने सेंसिटिव हो अदर पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, आप सेंसिटिव हो कि नहीं हो। एक बार वो बकेट से कपड़े निकाल रहे थे और बकेट को उन्होंने लात मारा था, उनके जो एक कलीग थे जो वो भी मॉन्क थे, उन्होंने उनको चिल्लाया था कि भाई क्या कर रहे हो, लात क्यों मारा आपने। मतलब उनका कहने का मतलब उसमें डीपली समझाया गया था कि अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंसेंटिव हो ना, तो आपके अंदर है वो इनसेंसिटिविटी,
तो वो आप लिविंग थिंग, आप अपने लोगों के साथ भी इनसेंसिटिव बिहेव करोगे। तो इफ़ यू वांट टू बी ए सेंसिटिव इन रिलेशनशिप्स, इफ़ यू वांट टू, तो आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी सेंसिटिवली बिहेव करना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा। दिस इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सेंसिटिविटी। हर एक चीज़ के साथ सेंसिटिवली बिहेव करो, आराम से हर चीज़ को कीजिए, आराम से हर चीज़ को रखिए। को ये बुक हाईली रिकमेंड करूँगा, आप रीड कीजिए, डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए गए हैं ये बुक में, आई फील। तो मैंने आपको शेयर किया, एज वी से एक बात कही जो मैं इस बात के साथ ख़त्म करना चाहूँगा इस वीडियो को। एज दे से द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड इज लव। सो लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।